बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत कराएंगे। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इससे पहले मैं नालंदा और रोहतास, उन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है, जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था, रामनवमी और पर्व त्यौहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के, वो पहले से ही डेपुटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुँची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियाँ ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहां पर्व त्यौहार और वहां पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनज़र पहले से ही डिपुट की गई थी। उसके अलावा वहां पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी बल अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया गया, वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहा है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है, अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सच के अनुसार कार्रवाई करनी वो करेगी। और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो एविडेंस सामने आएगा उसमें फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस भी है, ये सारे एविडेंस को मिला करके हम लोग निश्चित रूप से इस कांड के अनुसंधान में यह तहकीकात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया। इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतजार करिए। मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएंगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी। देखिए, अभी वो डेटा मेरे पास में नहीं आया है, हम लोग ये डेटा निश्चित रूप से कलेक्ट करेंगे और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह के बैकग्राउंड है, वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुंचे या कैसे पहुंचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, FIR, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। ये क्या लगातार आपने जिन 6 लोगों को पुलिस ने प्लास्टिक वाले मामले में लिया, क्या उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल
अभी मेरे पास में अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा, वो भी प्रोफाइल सामने नहीं।